जानकारी बांग्लादेश से जहां पर अफगानिस्तान के बीच बांग्लादेश अफगानिस्तान के बीच मैच आज, जी हां बता दें आपको, एचपीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। बड़ी खबर, एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है, तो कांगड़ा पुलिस का ट्रैफिक प्लान भी तैयार है। बांग्लादेश अफगानिस्तान के बीच आज मैच होना है एचपीसीए स्टेडियम में, ये मैच खेला जाएगा एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में। कांगड़ा पुलिस का ट्रैफिक प्लान भी पूरी तरह से तैयार है, तो बांग्लादेश अफगानिस्तान के बीच आज होने जा रहा है मैच एचपीसीए स्टेडियम में, ये मैच खेला जाएगा। और देखिए क्रिकेट के फैंस जो हैं वो पूरी इंतजार में हैं। कांगड़ा पुलिस का ट्रैफिक प्लान भी तैयार है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एचपीसीए स्टेडियम में आज ये मैच खेला जाएगा, एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज ये मैच होने वाला। तो अफगानिस्तान की टीम कप्तान अशफकतुल्लाह शहीदी, रहमानुल्लाह गोरबास, रहमत शाह, नजीबुल्लाह जादरान, रियाज हसन, मोहम्मद नबी, इकराम अली खिल, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, फजल हक फारूकी, अब्दुल रहमान, नवीन उल हक, इब्राहिम जादरान, राकिब अल हसन कप्तान, अनामुल हक बिजॉय, ये बांग्लादेश की क्रिकेट टीम, नजमुल हुसैन शांतो, तौहीद हिदोय, मुशफिकुर रहीम, हफीफ हुसैन ध्रुवो, मेहदी हसन मिरास, तस्किन अहमद, हसन महमूद, मुस्तफिजुर रहमान, शोरफुल इस्लाम, नसुम अहमद, शक मेहदी हसन, नईम शेख, शमीम हुसैन। तो बता दें एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में ये पूरी तैयारियां जो है वो यहां पर मुकम्मल हो गई है। कांगड़ा पुलिस का ट्रैफिक प्लान भी पूरी तरीके से तैयार है। धर्मशाला में आज होने वाले बांग्लादेश अफगानिस्तान के बीच जो मैच आज होना है इसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। सौरभ अटवाल संवाददाता धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, फिलहाल इस मैच को लेकर तैयारियां किस तरीके से वहां पर की जा रही है और साथ ही पुलिस का ट्रैफिक प्लान भी यहां पर तैयार है पूरी तरीके से? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि आज जो है धर्मशाला को जिस तरह से पहले मेजबानी का मौका मिला है धर्मशाला में, पहला मैच जो है आज धर्मशाला में खेला जा रहा है, इसको लेकर जो है
पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। पहले सबसे पहले अंजलि तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह का क्राउड जो है वो स्टेडियम के बाहर देखने को मिल रहा है। हालांकि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के टीम के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं भारी संख्या में, और अभी तकरीबन 10 बजे जो है टॉस हो जाएगा और उससे तकरीबन 10:30 बजे जो है मैच शुरू हो जाएगा। सभी प्रशंसक जो है अपनी टीमों के वो यहाँ पहुंच चुके हैं भारी संख्या में, और लगातार जो प्रशंसक हैं वो अपना पहुंचने की यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। अगर वही सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर जो है पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां लगभग सभी पूरी की हैं। यातायात व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है आज ड्रोन की मदद ली जाएगी ताकि सुचारू रूप से जो धर्मशाला में यातायात है वो चलती रहेगी। बिल्कुल सौरभ, जो क्रिकेट प्रेमी है वो वहाँ पर मौजूद है, कितना उत्साह आज के मैच को लेकर देखने को मिल रहा है इन लोगों में? और बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि पिछले 2-3 दिनों से ही लगातार जो अफगानिस्तान के प्रशंसकों की बात की जाए या जिस तरह से बांग्लादेश के प्रशंसकों की बात की जाए तो वो धर्मशाला पहुंचना शुरू हो गए थे, और आज वो जो है क्रिकेट स्टेडियम में जो है प्रवेश करने की उनकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। काफी उत्साह दोनों टीमों के प्रशंसकों में देखने को मिल रहा है, और सभी प्रशंसक ये मान रहे हैं कि उनके जो टीम है वो जीते कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ बंदोबस्त वहां पर कर लिए गए हैं? और बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में जिस तरह से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है धर्मशाला में लिखे गए थे, किसी न किसी तरह से जो अवैध रूप से जो गतिविधि की गई थी उसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन पहले से भी ज्यादा सतर्क हो चुका है, और उसको लेकर जो है अब काफी एक सख्त पहरा जो पुलिस प्रशासन द्वारा है वो स्टेडियम के अंदर और बाहर लगा दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना ना हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें इस मैच को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कांगड़ा पुलिस का ट्रैफिक प्लान भी पूरी तरीके से तैयार है, और बांग्लादेश अफगानिस्तान के बीच ये आज मैच होने वाला धर्मशाला में।